हम लोग कर रहे हैं नवंबर 2020 का वेरिएंट थ्री इसमें एक सर्कल की इक्वेशन दिए और पहले पॉइंट में ये कह रहा है शो दैट द पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल अब तीन सर्कल्स मैं बना देता हूं एक सर्कल दूसरा सर्कल तीसरा सर्कल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये है इसका सेंटर ये है सेंटर ये है सेंटर और एक पॉइंट सरकम पे है लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए एक पॉइंट के अंदर है इज पॉइंट बी एक पॉइंट पॉइंट के बाहर है डी अगर मैं सी से ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो सी से ए का मैग्नीट्यूड वुड बी द रेडियस अगर मैं सी से बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा दैट वुड बी ट एवर इट इज डुट बी लेसर दे रेडियस और अगर मैं सी से बी का मैग्निट्यूड निकालता हूं सी से डी का तो ये वाला मैग्नीटू रेडियस से बड़ा होगा ठीक है छोटी है, है, है ये वाली चीज रेडियस है और ये वाली चीज रेडियस से भी बाहर है तो जो पहला सवाल है वो हम लोग कल कर चुके थे अभी फ्लो में वापस मैं कर रहा हूं आपका पॉइंट है टी माइनस सिक्स कॉमा सिक्स आपका सेंटर जो है वो जब हम इसके नीचे लिखेंगे होल तो एच कॉमा के जो है वो है एट कॉमा फोर और रेडियस जो है वो है टेन यूनिट्स तो यहां पे मैं सेंटर सी जो है वो एट कॉमा फोर है उसको मैं ले लेता हूं

ये मैंने साबित कर दिया कि ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है अब क्या कह रहे टू टेंजेंट्स फ्रॉम टी टू सर्कल आर ड्रॉन अब एक सर्कल बनाते हैं और वी विल ट्राई टू ड्रॉ इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल ये एक सर्कल बना इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 8.4, ठीक है तो ये वाला जो सेंटर है दिस इज 8 एंड दिस इज 4। ये है आपका अब जो पॉइंट टी है वो है माइनस सिक्स सिक्स इसका मतलब है मैं उल्टे हाथ पे जाऊं और जरा सा ऊपर। सो समझे अब इसके बाद कह रहे शो एंगल बिटवीन वन ऑफ बना सकते हैं तो कह रहे हैं किसी भी एक टेंजेंट एनी टेंजेंट तो ये वाला मैं एक टेंशन की लाइन यू बना रहा हूं ये टेंशन यहां से टच करके निकल गया और एक टैंशन में यू बना रहा हूं यू करके यहां से टच करके निकल गया अब ये कह रहे हैं शो द द एंगल बिटवीन वन ऑफ एंड इज एग्जैक्टली अब ये वाली लाइन मैंने यू करके जोड़ दी सी टी इतफाक की बात है मेरे पास सी टी की लेंथ मौजूद है तो मेरे पास क्या क्या मौजूद है वो दिख लेता तो. हूं रेडियस जो है वो है टेन यूनिट्स और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो है टेन रूट टू यूनिट्स उसके बाद अब क्या चीज है मेरे पास मैं ऐसे ही एक पॉइंट को लेबल कर देता हूं आगे वो आएगा भी मैं अभी पहले से ही लेबल कर देता हूं दस इज पॉइंट ए दस इज पॉइंट बी और जब मैं यहां से ड्रॉ करता हूं एक लाइन ठीक है एक ग्रीन लाइन मैंने यू ड्रॉ की ये लाइन 90 डिग्री बनाएगा तो एक कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल किया ओ लेवल मैथ्स का बेसिक मैथ्स का रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ तो ये भी हो गया और एक और लाइन मैं बना लेता हूं समथिंग लाइक दिस ऑरेंज लाइन और ये वाली जो है ये वाली जो है ये वाली भी 90 डिग्री हो गई ठीक है ये दोनों 90 डिग्री अच्छा इसके बाद मेरे पास ओ लेवल मैथ्स की बेसिक ज्योमेट्री की सर्कल ज्योमेट्री की ये नॉलेज है Tangents drawn from an external point are equal in length. So TA equals to TC, ठीक है? TA equals to TB. अच्छा, और ये भी हमें पता है कि the two triangles are congruent. So TAC triangle TAC is congruent to triangle TBC. इसका मतलब है कि ये वाला angle जितना होगा, ठीक है? ये ऑरेंज वाला एंगल मैं मार्क नहीं करता हूं मैं कोई और कलर कर देता हूं समते ये ग्रीन वाला जो एंगल है ये वाला एंगल और सिमिलरली ये वाला एंगल ये दोनों नेचुरली सेम है बाय द सेम स्टैंडर्ड ये येलो वाला एंगल या येलो की जगह पर्पल कर देते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है लेंथ भी सेम है रेडियस रेडियस के बराबर टीए टीबी के बराबर और टीसी तो कॉमन है ही ये अच्छा यहां पर ये करने के बाद

और उसके बाद ये ऑरेंज लाइन से मैंने इसको सील ऑफ कर दिया तो ये वाला जो है ये एंगल पहले मैं हल्का सा इसको हटा दू और यहाँ पर ये 90 डिग्री है ये आपका ए है ये आपका टी है ये आपका सी है और ये एंगल की भी बात कर सकते हैं इस एंगल की भी बात कर सकते हैं इसका नाम मैं थीटा रख रहा हूँ इसका नाम मैं अल्फा रख रहा हूँ ये जो टी ए है इसकी लेंथ है आप हमें नहीं पता क्या हमें सीटी की पता है? यस, yes, हमें सीटी की लेंथ पता है 200, 10 2. तो ये वाली आपकी आ गई क्या हमें सी ए पता है रेडियस है, है। ये है हमारा टेन यूनिट्स अगर मैं साइन थीटा इस्तेमाल करता हूँ तो साइन थीटा इज ऑपोजिट डिवाइडेड बाईपोटनियस नाइनटी के सामने हाइपोर्टनियस होता है आउट टू बी वन ओवर रूट टू जब मैं कैलकुलेटर में प्लग इन करूंगा या अपनी मेमोरी इस्तेमाल करूंगा so 45 so 45 है. अब जब ये चीज कल जरा सी स्किप हो गई थी ये वाला 45 है इसका मतलब है ये वाला भी 45 है इन अदर वर्ड थीटा एन अल्फाइन इट्स ठीक है अब इस सेप्ट को अब हम अगले पेज पे लेके जाते हैं क्योंकि अगले दो पार्ट्स इसकी बेसिस पर है टेक्निकली थर्ड पार्ट इसकी बेसिस पर है यहां पे यह वाला पार्ट तो आसान था यह हमने कर लिया अब जब मैं ये ट्राइंगल को यहां ड्रॉ करूंगा अब यह कहते हैं दू टच द सर्कल एट ए एन बी वो मैंने ऑलरेडी बना दिया यहां पर अब जो प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल करूंगा वो प्रॉपर्टी इस चीज की है कि अगर एक आपके पास आईसोसतीस ट्राइंगल है और एक लाइन यू मैंने ड्रॉ की एक लाइन मैंने यू ड्रॉ की ठीक है द डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल जितना रियलिस्टिक है वो मैं ड्रॉ कर और यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या ड्रॉप किया तो अगर ये मेरे पास बेस है जो कि इत्तेफाक से या आइसोस्थीज बन रहा है तो मेरा बेस क्या हो गया टी सी तो जब मैंने ये आइसोस्थीज ड्रॉप किया तो ये है मेरा टी ये है मेरा सी मैंने एक ही लेवल पे इसको अभी ड्रॉ कर दिया ये वाली दोनों लेंस बराबर है तो नेचुरली इस परपेंडिकुलर की वजह से ये दोनों लेंथ भी बराबर हो गई तो ये फो ये वाला 45 है ये वाला 45 है वो जो 90 था वो 90 भी दो हिस्सों में टूट गया ये भी 45 हो गया ये भी 45 हो गया ठीक है और ये वाला जो पॉइंट है यहां पे अगर मैं ऊपर वाला ड्रॉ करूंगा तो ये ए होगा इसी तरीके से मैं टीबीसी को भी ड्रॉ कर सकता हूं अच्छा यहां पर जब ये शेप बनेगा सो दिस इज दिसक ए डायमंड के हिसाब से भी यानी हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली ये स्क्वायर बन जाएगा ठीक है वो ऐसे देखने में डायमंड लग रहा है लेकिन वो नाइनटीन नाइनटी चारों कोने पर आगे तो वो बन जाएगा यहां पर यह प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक तो आइसोसेथ्राइंगल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो 90 डिग्री होता है वो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर होता है इस पॉइंट का नाम मैं m रख देता हूं t के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है -6, 6 c के कोऑर्डिनेट्स सेंटर के हैं 8 4 तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -6 8 2 एंड 6 4 2 ये इसकी लॉजिक है सो so देयरफॉर 2 ओवर 2 इज 1 एंड

टिल्टेड डायग्राम था मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको रोटेट करके ऐसे फ्लैट करके मैंने बता दिया ग्रेडियंट ऑफ टीसी निकालेंगे सो दट एस सिक्स माइनस फोर ओवर माइनस सिक्स माइनस एट सिक्स माइनस फोर टू होता है नीचे माइनस फोर्टीन है दट कम्स आउट टू बी नेगेटिव वन ओवर सेवन देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए और वो आखिर में बी को जाके टकराएगा ठीक है तो यहां पर मैंने बनाया अगर होता तो ये यूं बनता और ये लाइन यूं बनती यूं आती यूं आती यूं आती यूं आती और ये सीधा b पर आती है इट्स नॉट अ रियलिस्टिक डायग्राम इसने यहां से फील नहीं हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो है m है। तो a m b का बेसिकली मैं इक्वेशन निकाल अब a m b की इक्वेशन के लिए मेरे पास जो ग्रेडियंट हो जाएगा दैट वुड बी नेगेटिव रेसिप्रोकल तो minus -1 ओवर 7 का प्लस +7 आ गया ये गुजरेगा कहां से ये गुजरेगा m से म की कोऑर्डिनेट्स है 1.5 ठीक है तो यहाँ पे 1.5 से ये गुजरेगा y minus y1 is equals to m x minus x1 y minus 5 is equals to 7x minus 1 that is 7x minus 7 और minus 5 इधर आ गया तो plus 5 हो गया therefore y is equals to 7x minus 2 this is the equation of the line AB माशाल्लाह से ये चीज डन हो गई अब क्या कह रहे है? अब ये कह रहा है रहे हैं कि हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने ठीक है अब पहला पार्ट बिल्कुल ऑब्वियस है कि यहां पे ये जो लाइन है दिस लाइन ए बी मीट्स द सर्कल ठीक है तो ए बी मीट्स द सर्कल तो इसका मतलब है सॉल्व साइमल्टेनियसली दैट्स नॉट अ बिग डील मैं फिर भी पूरा कर देता हूँ वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस एट होल स्क्सोर होल इक्वल्स टू हंड्रेड ये चीज के सेवन एक्स माइनस टू को y की जगह इधर रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा सेवन एक्स माइनस टू माइनस फोर ठीक है तो ये हो जाएगा सेवन एक्स माइनस सिक्स तो अब मैं इसकी जगह लिख देता हूँ सेवन एक्स माइनस सिक्स होल स्क्वेयर और ये वाला ब्लैक में ही रहने देता हूं दिस इज एक्स माइनस एट होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हंड्रेड जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा सो दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटी फोर एंड दिस इज फोर्टी नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस एटी फोर फोर्टी टू फोर्टी टू एफ नहीं एटी हो गया हाँ प्लस थर्टी अब क्या हो गया एक्स स्क्वेयर दैट इज फिफ्टी एक्स ट भी, 100, 100 भी निकाल लेता हूँ इसने पूछा नहीं मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ जीरो माइनस टू दैट इज माइनस टू एंड x 2 करेंगे 14 minus 2 s 12 ठीक है a ऊपर बना हुआ था a जो है वो ऐसा नजर आ रहा है कि वो ऊपर है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो वाला 12 वाला होगा ठीक है और b नीचे है तो b दूसरा पॉइंट हो गया सो so, हमारे डायग्राम के हिसाब से a जो है वो है 2, 12 और b जो है वो है 0, -3 ये माशाल्लाह से पूरा क्वेश्चन डन हो गया अब मैं इसमें कहा था मैं एक और मेथड ट्राई करने की कोशिश करूंगा और उस मेथड में वर्किंग क्या है वो वर्किंग वर्किंग ये कभी कभार बहुत यूजफुल होती है ठीक है मैं अभी पॉइंट मैं कॉन्सेप्ट का नाम नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ उसके हाईलाइट कर देता हूँ कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आएगा और वो कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल होगा लेन हम लोग ये करेंगे कि हम लोगों ने डायग्राम बनाया पतला सा और ये है आपका थोड़ा सा मैं नीचे और चला जाता हूं ये है आपका टी विच इज माइनस सिक्स कॉमा सिक्स और ये है आपका सी विच इज एट कॉमा फोर ये डायग्राम यू बन गया अगर मुझे टी से सी जाना है ठीक है तो मैं ये कहूंगा आई वुड गो डाउन टू यूनिट्स एंड आई वुड गो राइट बाई हा मेनी सीधे हाथ पे ठीक है लेकिन मुझे शायद पूरा जाने की जरूरत नहीं है मुझे जाना है एम तक ठीक है यहां पहले मैं एम भी लेबल कर दू तो यहां पर ये मैंने एम लेबल किया विच इज वन कॉमा फाइव अब 1.5 तक मैं क्यों जा रहा हूं मैं अभी रीजन समझाता हूं ये मैं गया u और ये मैं गया u माइनस सिक्स और वन में सेवन यूनिट्स का डिफरेंस है आई एम गोइंग सेवन यूनिट टू द राइट और सिक्स और फाइव में वन यूनिट का डिफरेंस है आई एम गोइंग वन यूनिट डाउन अब यहां पर मुझे बताना पड़ेगा मैं किस मेथड से इस्तेमाल कर रहा हूं मैं ओ लेवल मैथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा हूं मैं टेक्निकली रोटेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं और रोटेशन के साथ ट्रांसलेशन का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं ठीक है ये जो मूवमेंट है और आएगा, वो अभी देखते। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहां पे कहीं होगा जो आपका पॉइंट है ए पहले मैं सिर्फ ए निकालने पे फोकस कर रहा हूं यहां पर आपका पॉइंट है ए मुझे ए चाहिए इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम और रियलिस्टिक बना दो ठीक है तो ये सा 90 पे यू बना और ये वाला है आपका पॉइंट ए ये है आपका नाइनटी डिग्री बेसिकली टी इज रोटेटेड 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज अबाउट एम ठीक है मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा मुझे कोई मैट्रिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं मुझे कॉमन सेंस इस्तेमाल करना उस कॉमन सेंस में एक चीज ये याद रखेगा हम इसको टर्न करते हैं जब हम चीजों को टर्न करते हैं तो क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बेस थी मेरे पास एक हाइट थी और मेरे पास एक, एक हाई अगर मैं इसको टर्न करूंगा तो जो आपका बेस है वो आपकी हाइट बन गई और जो आपकी हाइट है वो आपकी बेस बन गई समथिंग like आपका हाइट था, था अगर मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री या किसी और एंगल से रोटेट किया तो ये वाला जो है ये जो बेस है दिस इज नाउ द हाइट एंड हाइट इज नाउ बेस सही है इसका मतलब <laughs>

और ऊपर जा रहा हूं क्या चीज सेवन यूनिट्स सो दिस इज वन राइट एंड दिस इज सेवन गेटिंग इट इसका मतलब है कि वन फाइव से जब मैं इसको वन राइट right लेके जाऊंगा तो ये टू बन जाएगा और फाइव अप लेके जाऊंगा तो सॉरी सेवन अप लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा ट्वेल्व

अच्छा बी के साथ भी मैं यही कर सकता हूं लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा आसान बी के साथ ये करने की मुझे इससे जरूरत नहीं है कि अब जो मैं ये डायग्राम करके मैंने ड्रॉ किया ठीक है अगर ये टू स्केल है ठीक है तो यहां पर आपका है टी यहां है आपका एम यहां है आपका सी यहां है आपका ए जो कि आप मिल चुका है टू ट्वेल्व एम आपका है है 1.5 ठीक है और आपका ये आ गया बी इन अदर वर्ड्स म इज़ द मिड पॉइंट ऑफ़ बी एंड ए आल्सो ए एंड बी ठीक है तो ए के कोऑर्डिनेट से 2.12 बी के कोऑर्डिनेट से x फार्मा वाइ और म के कोऑर्डिनेट से 1.5 सो so देवर वन एक्स कोऑर्डिनेट की पहले बात करते दैट्स टू प्लस एक्स डिवाइडे� So, therefore, x comes out to be 0. And uh, y kajabam karenge so 5 equals to 12 plus y divided by 2, 10 minus 12, which is minus 2. So, therefore, the coordinate of b is 0 minus 2, which is exactly the same. That finishes this particular question.